परमवीर सिंह के एक पत्र ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शरद पवार ने पत्र के सामने आते ही दिल्ली में बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल होंगे इस बैठक में शामिल। शरद पवार की हड़बड़ाहट से साफ है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल उद्धव सरकार को कभी भी घिरा सकती है। जिनको भी लगा था कि सचिन वाजे के हिरासत में लिए जाने से एंटीलिया मामला जल्दी ठंडा पड़ जाएगा, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। सचिन वाजे तो केवल चेहरा था, क्योंकि उसके जरिए महाविकास अघाड़ी की जो खेल खेल रही थी वो अपने आप में काफी खतरनाक है और उसके उजागर होने के ख्याल से ही अब शरद पवार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। ये स्पष्ट संदेश है कि उद्धव की सरकार गिरने वाली है। परमवीर के पत्र सामने आने के बाद से शरद पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को दिल्ली बुलाया है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार शरद पवार दिल्ली में हैं और उन्होंने एनसीपी के दो बड़े नेताओं को यही तलब किया है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल होंगे। वो महाराष्ट्र से दिल्ली आएंगे। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेताओं के बीच अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा की जाएगी। अनिल देशमुख का नाम आने के बाद राज्य की उद्धव सरकार दबाव में आ गई है। विपक्ष की तरफ से अनिल देशमुख के विरुद्ध जांच करने और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन अनिल देशमुख ने ऐसा भी क्या किया जिसके कारण अब शरद पवार तक के हाथ पांव फूलने लगे हैं? दरअसल जब सचिन वाजे के हिरासत में लिए जाने के बाद परमवीर सिंह को स्थानांतरित किया गया तो अनिल देशमुख ने कहा था कि परमवीर सिंह का तबादला नॉर्मल नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसी गलतियां की है जिसके पीछे उन्हें यह पद मिला है। लेकिन परमवीर सिंह भी चुप नहीं रहे। उन्होंने उल्टा अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि वे सचिन वाजे जैसे अफसरों का इस्तेमाल कर विभिन्न क्लबों, रेस्टोरेंट इत्यादि से 100 करोड़ रुपए प्रति माह की वसूली करना चाहते थे। उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के अनुसार परमवीर लिखते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूल करने को कहते थे। अनिल देशमुख ने फरवरी मध्य में एक दिन क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के API सचिन वाजे को अपना सरकारी आवास ज्ञानेश्वरी पे बुलाया। कक्ष में उनके निजी सचिव पलांडे सहित स्टाफ के एक दो लोग और मौजूद थे। उनके सामने देशमुख ने वाजे से कहा कि आपको एक महीने में 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने होंगे। परमवीर सिंह ने पोल खोलते हुए आगे अपने पत्र में बताया, 100 करोड़ प्रति माह की उगाही के लिए गृह मंत्री ने खुद इसका रास्ता भी बताते हुए कहा कि मुंबई में करीब 1750 बार एवं रेस्टोरेंट्स जैसे प्रतिष्ठान हैं। इनसे हर महीने 2-3 लाख रुपए लिए जाए तो 40-50 करोड़ रुपए आसानी से जमा हो सकते हैं। शेष राशि अन्य स्रोतों से जुटानी होगी। इसके 2 दिन बाद ही देशमुख ने बार इत्यादि पर नजर रखने वाली सोशल सर्विस ब्रांच के ACP संजय पाटिल और DCP भुजबल को अपने सरकारी आवास पर बुलाया। गृह मंत्री ने उनसे मुंबई के हुक्का पार्लरों के बारे में चर्चा की और वसूली का वही तरीका उन्हें भी बताया जो उन्होंने सचिन वाजे को बताया था। परमवीर सिंह की ये चिट्ठी क्या सामने आई, पूरे महाविकास अघाड़ी में हड़कंप मच चुका है। भाजपा के नेतृत्व में विपक्ष के पास ये खुलासा किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक किरीट सुमैया ने कहा कि सचिन वाजे की वसूली गैंग महाराष्ट्र के गृह मंत्री के लिए हर महीने 100 करोड़ की वसूली करती थी। उद्धव सरकार को 15 महीने हो गए, इसलिए सरकार को 1500 करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। वहीं भाजपा के राजकीय प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र के CM और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट कराते हुए तुरंत इस्तीफे की मांग की। आम जनता से लेकर विपक्षी नेता तक सरकार से जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से अब शरद पवार हड़बड़ी में पार्टी हाईकमान को दिल्ली बुला रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि अब स्थिति उनके नियंत्रण से भी बाहर जा रही है। यदि बात यहां तक आ चुकी है तो केवल अनिल देशमुख ही नहीं, उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर सकती है और अब शायद शरद पवार चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएंगे।